पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो फिलहाल जो छात्रों की समस्या को तवज्जो नहीं दी जा रही है, किसने क्या कुछ कहा है विपक्ष को लेकर के, जरा देखिए कि सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों की समस्या को तवज्जो नहीं दी जा रही है और साथ साथ अपने साथ कई विपक्षी दलों को भी साथ में लिया। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो छात्रों के मन की बात सुने सरकार, ये साफ तौर पर सरकार के लिए कहा है कि नसीहत दी है कि जो छात्र हैं जो क्या चाह रहे हैं उनके मन की बात क्यों नहीं सरकार सुन रही है। वहीं साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा हमारे छात्र बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो इम्तिहान में कैसे बैठेंगे बड़ा सवाल। छात्र बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो इन परीक्षा में कैसे बैठेंगे क्योंकि स्थिति इस वक्त ऐसी है। वहीं जान के बदले एग्जाम नहीं, अखिलेश ने साफ तौर पर कहा, अखिलेश यादव ने, कि जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा और किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, तो जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, परीक्षा टालने की ये मांग। तो जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल